अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के चलते लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पिछले करीब 13 दिनों से यहां धरना चल रहा है, जिसमें किसानों के दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर बंद किया तो किसानों ने वहीं पड़ाव डाल दिया। तब से लगातार वहीं धरना चल रहा है, लेकिन आज इसमें अचानक किसानों ने दिल्ली से जयपुर जाने वाले हाईवे की सड़क पर जाम लगा दिया। आज इस प्रदर्शन में महाराष्ट्र से आए किसान भी शामिल हुए। उन्होंने दिल्ली जयपुर सड़क से पैदल दिल्ली की तरफ निकलने का प्रयास किया, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया और बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया। इस दौरान हरियाणा पुलिस बल और बढ़ा दिया गया, वहीं हाईवे पर इस दौरान वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं कल भी इस आंदोलन के और ज्यादा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने भी ऐलान किया है कि वो लाखों किसानों के साथ दिल्ली कूच करने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं कल भी इस आंदोलन को और ज्यादा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी ऐलान कर चुके हैं कि वे लाखों किसानों के साथ 26 तारीख को दिल्ली के लिए कूच करेंगे। इसके चलते हनुमान बेनीवाल ने आज अलवर जिले में किसानों से जन समर्थन मांगा और दिल्ली सरकार से किसान कानून को वापस लेने की मांग फिर दोहराई। 26 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के जवान किसानों के साथ कूच करेगी दिल्ली की ओर। देश के किसान आंदोलन के समर्थन में तीनों काले कानून दिल्ली की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार वापस रहे। 12 तारीख को हमने अल्टीमेटम दिया था, पर 15,000 लोग पहुंचे थे बॉर्डर पे। उस समय हमें आश्वस्त किया, तब हमने डेफर किया था, आंदोलन को समाप्त नहीं किया। और 26 तारीख को आर पार की लड़ाई होगी शाहजहांपुर बॉर्डर पे। देश के सबसे बड़ी तादाद का राजस्थान का किसान जवान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के किसान जो आंदोलित है, देश में जो आंदोलन चल रहा है कृषि बिलों के खिलाफ, इनको समर्थन देने के लिए शाहजहांपुर बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे। बीजेपी ने आपकी बातें नहीं मांगी तो क्या आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन तो मेरा जारी रहेगा, बीजेपी के साथ मेरा खटपट रहेगा, मामला टूटने वाला है जल्दी। ठीक है।